खंडवा में रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नारी शक्ति दिवस मनाया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नारी शक्ति दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह रखा। विभाग क्षेत्र प्रमुख दीपिका गंगराड़े ने बताया कि सम्मान समारोह में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली नारी शक्ति का सम्मान किया गया। मुख्य वक्ता सरस्वती विद्या मंदिर प्राचार्य तोमर दीदी ने महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन श्रद्धा भमोरे ने किया और आभार काजल तेजी ने माना। खंडवा ब्यूरो की रिपोर्ट। बेटे को नहीं देखा, महत्व को वचन दिया तो ऐसी अपने आप अपने जल का छाती पर पत्थर रखकर कैसे उनके पुत्र को उन्होंने हाथी के पैरों तले कुचलवाया होगा, परंतु यदि गलत कार्य होगा तो किसी का भी सहन नहीं करेंगे, ऐसा अहिल्या भाई। आज अभी शिवलिंग के साथ अहिल्या भाई के दर्शन होते हैं और जगह जगह उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई और एक अच्छे राज्य की स्थापना की, राज्य का प्रशासन चलाया उन्होंने, तो ऐसी थी माँ अहिल्या भाई। और नेतृत्व की प्रतिमूर्ति जो आज भी हमारे सामने आदर्श के रूप में स्थापित है वे हैं रानी लक्ष्मीबाई। तो ऐसा तीन महिलाएं इस समय में हमारे सामने हमारा आदर्श होनी चाहिए। इन्हीं को अपना आदर्श मानकर आप खेल के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और कई महिलाओं को देखते होंगे, उनका आदर्श इसमें से एक न एक महिला को होगी। जब इनकी जैन जीवन प्रसंग पढ़ते हैं, गाथाएं पढ़ते हैं, इनके कोई प्रेरक प्रसंग पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन ऐसा आकुलित है। गुरों की सत्ता के आगे जब थे वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जब उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया निज धरा नहीं पटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति परम धाम को चले गए, कल्पना कीजिए 23 वर्षीय नारी है, पति परम धाम को चले गए मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी सम्रांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया उस देवी की मूर्ति को मूर्त कर रही हूँ, लगे सजीव हो उठा। अगर आपके आंखों के समक्ष मूर्ति आ गई हो तो सूचित कर दो। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, बलगाए साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गए ये खड़ग निज हाथों में। जब तक महिषेश शीश पर है, अंतिम पंक्तियां पढ़ रही हूँ, पर अपनी आरत पृष्ठ बाघ पर बांध लिया, लगाए साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गए खड़ग निज हाथों में। जब तक महिषेश शीश पर है, जब तक महिषेश शीश पर है उदाहरण करुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मर मरदानी लक्ष्मी बाई का। हम सब जानते हैं किसी भी जीव की कल्पना बिना नारी के संभव नहीं है, परम पूजनीय जीवनदायिनी वह नारी ही है जिसने अनेक ऋषि मुनियों से लेकर अनेकों महापुरुषों को जन्म दिया है, वह उनका निर्माण किया है। वह नारी ही है जो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद जी जैसे अनेक राष्ट्रभक्तों को इस धरा पर अवतरित की करतियां हैं। नारी शक्ति कभी दुर्गा के रूप में, कभी लक्ष्मी के रूप में, कभी सरस्वती के रूप में, तो कभी काली के रूप में पूजनी रही है। नारी शक्ति ने राष्ट्र शक्ति को सदैव बल दिया है, उनके सृजन से ही संसार रूपी भारत का निर्माण हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।